रीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है जय भारत जय हिंद ज्ञान वाचन मस्जिद पर। कोर्ट के आदेशानुसार सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के लिए वहाँ टीम पहुँची। ये कोर्ट का आदेश था और आदेशानुसार ये टीम जो है वो काम कर रही थी, लेकिन जो लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं कि इस देश में 2014 के बाद से संविधान खतरे में पड़ गया है, एक बार संविधान के कर्ता धर्ता उसके संरक्षक न्यायपालिका के आदेश को मानने को राजी नहीं होते। जैसे ही फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आता है वो नारा तकबीर लगाना शुरू कर देते हैं, अल्लाहु अकबर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज काशी के विश्वनाथ मंदिर के बाहर देखा गया, जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के कोर्ट के आदेशानुसार वहां पे सर्वेक्षण टीम जो है वो पूरा मुआयना के लिए पर्यवेक्षण के लिए पहुंची थी, वीडियोग्राफी के लिए पहुंची थी, ताकि तथ्य सामने आ सके और जब फैसला दिया जाए तो कोई भी तथ्य ना छूटा हो और किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो, झूठ के ग्राउंड पे कोई फैसला कोर्ट नहीं दे, सारे तथ्य सामने हो और न्याय का फैसला है, ये सोचकर कोर्ट की तरफ से आदेश आया। आज ये वीडियोग्राफी जो होना था ये अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि आज़ादी के बाद से, वैसे ये लड़ाई तो पता नहीं कितने सदियों से चल रही है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, कि वो परिसर जो है बाबा विश्वनाथ का है और उसी परिसर में असली शिवलिंग जो है वो विराजमान है, वहाँ गौरी की मंदिर भी है और वहाँ पे पूजा स्थल भी है, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोर्ट की तरफ से इस तरह के कोई आदेश नहीं आए थे। वीडियोग्राफी वहाँ पे मना था, अंदर जाने की मना ही थी और ऐसे में बिना किसी वहाँ के ओरिजिनल तथ्य के ऊपर के बहस सारी चल रही थी कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि जो बातें कही जा रही हैं उसके तथ्य सामने आए, अगर ये जो दलीलें दी जा रही हैं वो निराधार है तो मस्जिद को लेकर के कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए, और अगर उसमें कोई आधार है तो फिर किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए और जिसकी धरोहर है वो उसके पास जानी चाहिए। ये कोर्ट ने समझा और अपनी समझ के अनुसार न्याय संगत प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये आदेश दिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये जो इस वीडियो में देख रहे हैं। परिसर के बाहर हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान वहाँ पे जमा हो गए, हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिए और नारा तकबीर लगने शुरू हुए, अल्लाहु अकबर होने लगा, अल्लाहु अकबर होने लगा, और इसके बाद सारे राजनीतिक पार्टी जो हैं वो मैदान में कूद गए, खासकर कांग्रेस। कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध कर रही है कि ये सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, ये पर्यवेक्षण नहीं होना चाहिए और मंदिर परिसर तक हालांकि सभी का जाना जो है वो अलाउड है, लेकिन मस्जिद का वो परिसर जो विवादों के घेरे में है वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, वहाँ पे जांच पड़ताल नहीं हो सकती, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अब आप देखिए, वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी के कोर्ट के आदेश पर मुस्लिमों का हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने रख रही हूँ। ज्ञानव्यापी मस्जिद के प्रबंधकों के ने परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का विरोध किया गया, जबकि एक स्थानीय अदालत के आदेश के अनुसार ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। मस्जिद प्रबंधकों का रवैया असल में कागज नहीं दिखाएंगे वाली ही थी, उस मानसिकता को विस्तार देते हुए वहाँ पे उन्होंने कानून का जबरदस्त माहौल उड़ाया और इस्लामिक नारे, जिसको कि नाराय तकबीर कहते हैं, वो लगाना शुरू किया, अल्लाहु अकबर बोलना शुरू कर दिया। वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी पर तार्किक बात होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद पक्ष इसको होने नहीं देता है। वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में शोध करके उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कोर्ट के निर्देश हैं। वस्तुतः जिसे ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है वो असल में मस्जिद है ही नहीं, ये हम सभी जानते हैं, वह एक
विराट शिव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर का असली परिसर वहाँ पे छुपा हुआ है, जो लिंग है जो जहाँ पे बाबा विश्वनाथ विराजमान थे, जिस ओरिजिनल जो स्वयंभू है वो वहीं पे विराजमान है, लेकिन उसे खंडित कर दिया गया है, उसे बर्बाद कर दिया गया है और मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। ये आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के स्ट्रक्चर को देखकर भी आपको पता चल जाएगा। काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर वही था जिसे आज मस्जिद कहा जाता है, और यह भ्रम नहीं है, यह कोई झूठ नहीं है और यह सच किसी से छुपा हुआ भी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, ये एक यथार्थ सत्य जिसको बोलते हैं वो है। मंदिर में के विशाल और सुंदर खंभों पर ही मस्जिद का गुंबद और ऊपरी ढांचा दिखाई देता है। जब भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मंदिर के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे उसकी कशिदाकारी होती है, जो बेस है, जो पिलर है, जो ढांचा है, वो सतह का वैसा ही है, उसके ऊपर मस्जिद का ढांचा तैयार किया गया है। इतिहास में यह तथ्य स्पष्टतः वर्णित है कि आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनाने शुरू किए थे। भले ही तब क्रूर शासकों ने यह किया हो, किंतु आज देश हमारा आज़ाद है, किसी मुगल के गिरफ्त में नहीं है, यहाँ आक्रांताओं के लिए अब कोई जगह नहीं रह गई है, ना ही यहाँ कोई ब्रिटिशर्स आते हैं। ये पूर्णतः एक लोकतांत्रिक देश है जिस पे भारत के कानून चलते हैं, भारतीयता चलती है और सनातन जो इस मिट्टी की जड़ है वो यहाँ पे अब खुशबू बिखेरते रहती है। हिंदुओं का उनका मूल जो है वो भारत में है, और काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं उद्गम स्थल है। ऐसे में विश्वनाथ मंदिर का वो परिसर जो कि मूलतः उस परिसर का सबसे अभिन्न भाग है, उसे लौटाया जाना चाहिए। कोर्ट भी यही समझ रही है, इसीलिए तथ्य को देखने के लिए, परखने के लिए और किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के आदेश दी है। भावना व आस्था के बजाय तर्क और साक्ष्य पर बात हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुओं ने तो अपनी भावनाओं को इतने लंबे समय से संयम में रखा हुआ है, अब बारी इस देश के मुसलमानों की है नारायण तकबीर लगाने के बजाय संविधान को मानने की है। जिस संविधान की बार बार दुहाई दी जाती है कांग्रेस की तरफ से कि संविधान खतरे में है, आज जब संविधान के संरक्षक न्यायालय की तरफ से कोई आदेश आता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। जो कुछ मुस्लिम समुदाय, मौलाना, मुस्लिम स्कॉलर्स ये कहते हैं कि देश आजकल कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, जब कोर्ट की तरफ से इस तरह से आदेश आते हैं तो उसका विरोध करते हैं और इस तरह के हंगामों का वो कहीं ना कहीं हिमायत करते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं। आखिर अगर कानून और संविधान के हिसाब से, कोर्ट के आदेश के अनुसार चीज़ें नहीं चलेंगी तो फैसले कैसे सत्यता पे बेस होकर न्याय संगत आएंगी, ये सोचने वाली बात है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सच जो है धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं, लेकिन इस सच से डर किसको लग रहा है और क्यों लग रहा है, क्यों सच के खुलने का एक अंदेशा भी दिल दहला रहा है, और किनके वो दिल हैं जो इतने दहल रहे हैं कि सड़कों के आस पर आकर हंगामे कर रहे हैं और टीवी पर बैठकर आदेश जो कि न्यायालय का है, जो कि कोर्ट का है, जो कि इस देश के कानून व्यवस्था का है, उसका विरोध कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत भी हमारी होती रहेगी। इस सिलसिला को और मजबूती के साथ हम दोनों मिलकर आगे बढ़ाएं, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो सच है वो सबके सामने आ सके। क्या है ज्ञानव्यापी, क्या है इसके पीछे का इतिहास, ये भी हम आपके सामने लेकर आएंगे एक विस्तृत रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल हमने बात की है न्यायालय के आदेश की और उसके विरोध को लेकर के, कितना न्याय संगत है ये, कितना तर्क संगत है,
और कितना देश संगत है इस तरह की हरकतें जो है। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये हमारे लिए बूस्टर होता है, मनोबल बढ़ता है हमारा, और बेल बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए आपके पास तो आप उससे अवगत हो जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें और आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो देखते रहें। साथ ही देश के इन गंभीर मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।